हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफान और आप देख रहे हैं ईमान किचन। फ्रेंड्स, आज लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल डिश जिसका नाम है मटन काला बिरयानी। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने 2 किलो चावल ले लिया है बासमती, और 1 कप धनिया, हरा धनिया ले लिया है, और 700 ग्राम प्याज ले लिया है, 6 से 7 हरा मिर्च, और 2 चम्मच गार्लिक पेस्ट, 2 चम्मच जिंजर पेस्ट। उसके बाद 2 से 3 पत्ता तेज़पत्ता ले लिया है, 6 से 7 हरी इलायची, दालचीनी और फूल ले लिया है, 7 से 8 पीस काली मिर्च, 4 से 5 पीस लौंग ले लिया है, और मैंने मटन लिया है 3 किलो। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद सॉल्ट लिया है 2 चम्मच, हल्दी लिया है 1 चम्मच, चिली पाउडर लिया है 2 चम्मच, मैंने गरम मसाला ले लिया है 2 चम्मच, धनिया ले लिया है 1.5 चम्मच, उसके बाद काली मिर्च पाउडर ले लिया है 1/2 चम्मच, जीरा ले लिया है 1 चम्मच, और शान का बिरयानी मसाला ले लिया है 2 चम्मच। दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, जो हमारा चावल है ना, चावल को हम सबसे पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे, 2-3 पानी धुल लेंगे उसको। उसके बाद हम उसमें पानी रख के डाल के 1 घंटे तक उसको हम रख देंगे फूलने के लिए। ठीक है दोस्तों, और प्याज को कट करके रख लेंगे, मैंने कट करके रख लिया है। दोस्तों, हम इसको कुकर में बनाएंगे। सबसे पहले हम कुकर में गोश्त को डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद मसाला डालेंगे, जो खड़ा मसाला है उसको डाल लेंगे। खड़ा मसाला डालने के बाद हम 1 कप पानी डाल देंगे इसमें। इसके बाद 1/2 कप तेल डाल देंगे। इसको फिर हम ढक देंगे, ढक्कन लगा देंगे। फिर हम 1 सीटी इसको लगाएंगे, तो हम बंद कर देंगे। उसके बाद हम प्याज को फ्राई कर लेंगे, ऑयल डालेंगे, 2 कप कम से कम ऑयल डालेंगे तो प्याज को अच्छे से फ्राई कर सकें। ओके, हमने ऑयल डाल लिया है फ्राई पैन में। इसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। दोस्तों, हम कुकर को चेक करेंगे कि सीटी अभी तक आया कि नहीं। हाँ दोस्तों, सीटी आना स्टार्ट हो गया है, और हम इसको 20 मिनट तक पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। ठीक है दोस्तों, अगर पक जाता है ये गोश्त अच्छे से तो इसको हम कुकर को ठंडा होने तक छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा प्याज लाल हो रहा है, और इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक ये हल्का काला ना हो जाए, क्योंकि हमारा बिरयानी है ना, काला बिरयानी। दोस्तों, ये रमज़ान का स्पेशल डिश है, प्लीज़ आप भी रमज़ान में आप इसको बनाइए अपने घरों पे। दोस्तों, ये ऐसा बिरयानी आज तक आपको किसी ने नहीं बताया है, तो प्लीज़ आप ट्राई करिए। देखिए, हमारा इस तरीके से आपको भुनना है, फ्राई करना है प्याज को कि काला हो जाए। ज़्यादा एकदम काला नहीं करना है, नहीं तो पूरा जल जाएगा। देखिए, हल्का गोल्डन है, हल्का काला हो गया, ठीक है। और हम कुकर को ओपन करके चेक करेंगे गोश्त गला है कि नहीं गला। माशाल्लाह, गोश्त गल चुका है, और इसमें हम भुना हुआ प्याज को मिला देंगे। प्याज हमने मिला दिया, इसके बाद हम 1-1 करके मसाला मिलाएंगे।
इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और फ्लेम को हाई फ्लेम पे कर देंगे, इसको तेज कर देंगे ताकि अच्छे से मसाला भून सके। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हम इसमें कुटा हुआ मिर्च डाल देंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे। दोस्तों इसको हम जब तक पकाएंगे तब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए, भुन ना जाए, मसाला कच्चा ना रहे। अगर कच्चा रहेगा तो टेस्ट नहीं आएगा, आप तो जानते ही हैं। और इसमें मैंने नींबू का रस डाल दिया एक पीस। देखिए दोस्तों कितना ही खूबसूरत दिख रहा है सालन, वाओ आज तो मज़ा ही आ जाएगा खाने में। देखिए आप ही देख लीजिए, ब्लैक कलर हो गया सालन। और इसको पानी को सुखाएंगे हम, जब तक पानी सूख ना जाए, सालन गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि पानी रहेगा तो चावल में मिक्स हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो आप भी इस तरीके से आप पकाते रहिएगा। और चलिए अब चावल बना लेते हैं। चावल के लिए हमने एक कप ऑयल डाल दिया है, इसमें साजीरा, इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, इसको हम अच्छे से फ्राई करके इसमें हम पानी डालेंगे। 2 किलो चावल है तो 3 लीटर पानी रहेगा इसमें। ध्यान देखिए, देखिए गोश्त सूख गया है मसाला इसका। पानी को उबलने तक छोड़ेंगे जब तक इसका पूरा अर्क ना निकल जाए। इसमें फिर सॉल्ट डालेंगे, नमक 2 चम्मच, फिर इसको हम पकाएंगे अच्छी तरीके से पानी की, इलायची वगैरह जितने मसाला है इसका पूरा फ्लेवर इसका पानी में निकल जाए। दोस्तों हमारा पानी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम चावल को डाल देंगे। हमने चावल को डाल दिया और इसको हम हल्के हाथ से चम्मच से चलाएंगे, इसको बार बार नहीं चलाना है, नहीं तो चावल टूट सकता है। ठीक है दोस्तों, और हम इसको ढक देंगे, ढक्कन को ओपन करके देखेंगे हमारा चावल पकना स्टार्ट हो गया है। इसको हम हल्के से हाथ से इसको चेक करेंगे कि गला है कि नहीं गला है। इसको 70% तक आपको पकाना है, उसके बाद इसको दम पे रखना। दोस्तों हमारा चावल 70% पक चुका है, इसमें हम कलर मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद हम इसको तह लगाएंगे। दोस्तों आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि चावल को हम पूरा नहीं पकाएंगे, 70% तक ही कुक करेंगे उसको, ठीक है। ताकि पूरा पका देंगे आप तो उसमें जो गोश्त का फ्लेवर है नहीं आ पाएगा, 70% रहेगा। उसके बाद हम उसको दम पे रखेंगे, जब हम उसको दम पे रखेंगे तब उसका फ्लेवर अच्छे से चावल में मैरिनेट हो जाएगा। ओके दोस्तों, आपको ये बात बहुत ज़रूरी ध्यान देने वाली बात है ये, प्लीज़ आप पूरा चावल को कुक मत करिएगा, नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा। देखिए सालन कितना ही ज़बरदस्त दिख रहा है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है। इसका नाम है काला बिरयानी, नाम है तो भी काम भी होना चाहिए काला बिरयानी का। तो दोस्तों प्लीज़ आप रमज़ान में आप बनाइए स्पेशल, और अपने परिवार को खिलाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि ये ऐसा इतना खूबसूरत, इतना लाजवाब, इतना टेस्टी बिरयानी है कि आपको देख के आपके मुँह में पानी आ जाएगा। तो दोस्तों क्यों ना ट्राई करें, प्लीज़ आप ट्राई करिए, अपने घर में बनाइए, और हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसा लगा। तो दोस्तों चलिए हम इस चावल को रख देते हैं दम पे। दोस्तों कम से कम 10 से 15 मिनट तक हम लो फ्लेम पे रखेंगे कि ताकि चावल जो अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे। तो दोस्तों हमारा 10 से 15 मिनट हो चुका है, चलिए इसको प्लेट में हम निकाल लेते हैं। वाह यार कितना बेहतरीन दिख रहा है बिरयानी, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना अच्छा बन जाएगा। तो दोस्तों आप भी ट्राई करें, और मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर के तजुर्बेगार चचा जी से हम चेक करवाएंगे, अब्दुल रहमान साहब जी, इनसे हम चेक कराएंगे। अब्दुल रहमान साहब थोड़ा आप चेक करिए कैसा है डिश, बताइए खा करके। चचा जी में एक खासियत है, खाना बहुत ज़बरदस्त टेस्ट करते हैं और सही बताते हैं एकदम।
और अगर खाना सही नहीं रहेगा तब भी डायरेक्ट बता देते हैं खाना सही नहीं है भाई। माशाल्लाह बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।